फख्र है पाकिस्तान के नाम से हमने यहाँ पर इवेंट मुनक्किद किया है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अमली नमूना है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम ना सिर्फ स्पोर्ट्स को प्रमोट करें बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब सरदार उस्मान गुलजार साहब की जो पॉलिसी है स्पोर्ट्स से मुतल्लिक उसको बाकायदा तौर मेटेरियलाइज करवा सकें। ये रहे थे कि हमारे जो ओलंपियंस जब यहाँ पहुंचे हैं तो इमीडिएटली उनको कंग्रेचुलेट भी किया जाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट भी की जाए। मैं तो कुछ अरसा मुतहैर रहा ये खूबसूरत रोशनी देख के और ये चांद सितारे, ये नौजवान, ये जस्तजू, ये दीवानगी, ये इश्क, ये यही सब कुछ पाकिस्तान है। पाकिस्तान खूबसूरती है, पाकिस्तान एक जदोजहद का नाम है, पाकिस्तान दुनिया के उफक पर एक रोज़ चमकता हुआ सितारा बनता हुआ हम सब देख रहे हैं, तो उसकी निशानी ये लोग हैं जिनको आज आपने इस एजाज़ से नवाज़ा। ये पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, हमारा फ़ख्र हैं। इकबाल ने कहा था, मुहतरमा जस्टिस साहिबा बैठी हैं, कि फितरत के मकासद की करता है नगेबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। तो ये जो लोग हैं ये सारे मर्द नदान हैं, इन्होंने ठीक है दुनिया को बिछाड़ा नहीं लेकिन कम से कम ये एक ऐलान ज़रूर किया है कि हम बहुत जल्द इस दुनिया के जो सबसे बड़ा सेंटर स्टेज है उस पे हम खड़े होंगे। जैसा कि यहाँ कहा गया कि इतनी ज्यादा यूथ है, इतनी टैलेंटेड यूथ है, इतनी एनर्जी है उनमें, लेकिन कोई आउटलेट नहीं है। खुशी भी होती है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि देख के कि जब इतने टैलेंटेड यंगस्टर्स, men and women, boys and girls, उनमें इतनी passion, इतनी energy, लेकिन वो बेचारे अपने खुद resources इस्तेमाल करके अपनी spirit के साथ उनको वो चीजें international level पे खेल रहे होते हैं जाके। अभी मैं मुझे ये बताया था बीजी साहब के जो इंडिया का जो प्लेयर थे उस पर 30 करोड़ का एक स्पॉन्सर ने उन पर इन्वेस्ट किया और जो हमारे जो प्लेयर हैं जिन्हें इन्होंने किया इतना जबरदस्त जैवलिन का, इन्होंने सारा अपनी उसके ऊपर बल बोते भी किया, टिकट भी गालिबन ये खुद देखे ऐसे ही है लेकिन वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, स्पेशली जो खवातीन है क्रिकेटर्स हैं आपके, तो खास तौर पर मैं दिली शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि खवातीन का आगे आना खेलों में जिंदगी के हर शोबे में इस हवाले से ये बहुत ही अहम है स्पेशली। सो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में बहुत 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 तालियां। अस्सलाम वालेकुम, मैं तलहा तालिब ओलंपियन, मैंने ओलंपिक्स में 5th पोजीशन हासिल की। इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, साउथ एशिया में गोल्ड मेडल हासिल किया और एशिया में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैं डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इनवाइट किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में भी वो इस तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपना DCO साहब मोहम्मद मुदस्सर साहब का और शुक्रिया अदा करूँगा अपना साजिद कियानी साहब का जो DIG साहब है और पूरे पंजाब पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इधर इनवाइट किया और मुझे इतनी इज्जत दी, मैं इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी पूरी मीडिया का जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में मुझे फेमस किया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम फयाज है, मैं अरशद का कोच हूँ और इनका पूरी इंतज़ामिया का, पूरी लोकल गवर्नमेंट का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे
हौसला अफजाई की है, अर्शद की है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शेरोज काशिफ एके द ब्रॉड बॉय एंड आई एम द यंगेस्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड टू समिट K2। आई एम द यंगेस्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड टू समिट ब्रॉड पीक एट द एज ऑफ 17 एंड आई एम द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू समिट एवरेस्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू DC लाहौर एंड उन्होंने जो है वो इतना अच्छा इंतज़ाम किया यहाँ पे मेरी अचीवमेंट को, जो है ना कि मेरी बल्कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके अचीवमेंट को एक्नॉलेज किया, और जो हमारे राइजिंग स्टार्स हैं पाकिस्तान के उनके लिए जो है वो इतना एक अच्छा फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया। तो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं यहाँ के इंक्लूडिंग पर्ल कॉन्टिनेंटल, जलाल सन्स, लाहौर कलंदर एंड बहुत सारे, उन सब के लेके और पंजाब गवर्नमेंट, राय दमूर भट्टी साहब का भी और DC लाहौर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।